हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द मेड विकेट गाइस। और क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कुछ बकचोदी होती रहती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चिरागर में दोनों एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम क्या एंड करते दैट हैं, हम इज उसकी द वीडियो बनाते हैं। हाँ दैट इज द रीजन हमने क्रिकेट वीकली वीडियो कर ही लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली बोलो, फॉर्चुनेटली बोलो, तुम्हारे लिए एक क्रिकेट वीकली हमने रिकॉर्ड करा था। एंड उस वीकली के बाद क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट छोड़ो, मंथली भी निकल गया, वो हमने डाली नहीं है और न्यूज बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बट या डिस्कस करेंगे, मोस्टली आईपीएल डिस्कस करेंगे। बट यस, वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट हैपेंड इन दिस वीक ऑफ क्रिकेट, स्टार्टिंग विद सर वन ऑफ द न्यूज भाई, जो मुझे तो बहुत ज्यादा अमेज कर गई थी, हाउ दिस हैपेंड एंड हाउ रैपिडली दिस हैपेंड। सो मार्क वुड हैज बीन रूल्ड आउट फॉर द आईपीएल 2024 सीजन। एंड यहाँ यस पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिप्लेसमेंट नेम करी है शर्मार जोसफ को। द गोट श्रेयांश, भाई, योर रिएक्शन, एब्सोल्यूट योर गाबा रिएक्शन। गोट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, आरसीबी टेकिंग अनदर हार, बिकॉज पीपल लाइक ये बंदा आरसीबी लिखा हुआ है, ये बंदा आरसीबी ही आ रहा है पक्का। अरे हम लिख के दे रहे हैं आरसीबी आ रहा है। और फिर तुम ट्विटर का रिएक्शन देखो, जब वो एलएसजी गया, फ्लैबरगास्टेड कि भाई नहीं, इसे बेकार प्लेयर नहीं देखा हमने आज तक। जो पूरी ऑडियंस टर्न की थी ना आरसीबी की एक दिन के अंदर अंदर उस बंदे के ऊपर, मतलब मजा आ गया था देख के मेरे को। जो ये भी सेम ठीक है बंदे भाई। उसके कंपाइलेशन बना रहे थे कि आरसीबी हाँ हैज साइंड अ मॉन्स्टर, वो हाँ एलएसजी चला गया। तो ठीक है यार, अभी नई नई हवा बनी है लौंडे की, 7 विकेट लिए भाई ने, ऐसी बात नहीं है। प्लस यार, बट हेलो हेलो हेलो, जस्ट टेल मी वन थिंग। इस बंदे के लिस्ट ए करियर के 7 मैचेस हैं। इस बंदे के टेस्ट टेस्ट मैचेस 2 हैं इंटरनेशनल। T20 के आई शुड नॉट इवन टॉक अबाउट, नॉकी इकोनॉमी। बट एक्चुअली डू यू थिंक कि मतलब यू, अगर तू ढूंढता, यू वुड हैव गॉन बेटर, गॉट बेटर ऑप्शन जो अनसोल्ड गए होंगे ऑक्शन में यार। अगर मार्क इफ यू वुड अपने आश आप में एक क्वेश्चनेबल चॉइस थी मेरे हिसाब से, टू नहीं बैक अप एज अ यार, लीड बॉलर, इन माय नहीं ओपिनियन। शुमार नहीं यार, बट जोसेफ में, मतलब ठीक है यार, आई थिंक अ वेरी इंप्रेसिव गाबा परफॉर्मेंस। ब्रो, जस्ट बेस्ड ऑन वन परफॉर्मेंस तो आईपीएल खिला देगा ये? अभी तक जहां पे भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला है ना, हमेशा रिप्लेसमेंट की तरह गया है। रिप्लेसमेंट की तरफ से खेला है, ठीक है, नया ब्लड है, और चांस तो देंगे दो यार। प्लस अच्छा ठीक है भाई। और ही नोस हाउ टू परफॉर्म विद द बैट एज वेल, भाई वी हैव सीन हिम, ही हैज द रेजिलियंस टू परफॉर्म विद द बैट, आई थिंक ही शोज अ ग्रेट प्रॉमिस। एंड इन कमिंग ईयर्स आई एम थिंकिंग कि शमार जोसेफ कैन बी द नेक्स्ट एंडर रसल। आई नो, वेरी ओके, वेरी बिग स्टेटमेंट, वेरी बहुत वेरी बिग स्टेटमेंट, क्या बोल गया मेरा भाई तू। बट स्टिल आई सी द पोटेंशियल इन हिम, टू बी ऑनेस्ट। जो पैशन है, द अग्रेशन हाँ एंड द वे ही हैज बीन प्रेजेंट परफॉर्मिंग, दो हाँ ही टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है, बट स्टिल भाई। ब्रो, मुझे चाहिए बता, चल ठीक है, इफ यू हैड द ऑप्शन वुडेंट यू हैव गॉन फॉर समबडी लाइक जल? हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, यू कैन से इसलिए नहीं गए होंगे हेजलवुड के पीछे, साउदी ले लेते। हाँ, साउदी जेमिसन, काइल जेमिसन ले लेते, काइली भाई, काइल मेरेडिथ जेमिसन को तो मैं ले लेते। स्टार्टिंग से बोल ही रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम इस काइल जेमिसन इवन अवेलेबल एट दैट टाइम? हाँ, रॉली भाई, ऑली अच्छा हाँ, रॉबिन्सन पूरी ले न्यूजीलैंड लेते। अवेलेबल है, ठीक है यार। आई थिंक अभी रीसेंट परफॉर्मेंस में देखा है, इवन जेमिसन इज, मतलब पीपल नो भाई, मैं जेमिसन का खुद एक बहुत बड़ा सेम हूँ, बट ठीक है, जोसेफ इज नॉट अ बैड चॉइस भाई। वी ऑल नो वेस्ट इंडियंस का वैसे भी T20 कोटा काफी हाई रहता है। यार ओशेन थॉमस ले लेते, अब रैंडमली ऐसे तीन चार वर्ड साथ में बोल दोगे तो थोड़ा बोलूंगा ले लेना चाहिए। भाई ओशेन थॉमस कैसे नहीं जानता, हद है। नहीं यार, बट ठीक है, जेसन होल्डर ले लेते, सब छोड़, जेसन होल्डर, कम ऑन, लगता भी है लखनऊ ब्लड। जेसन होल्डर गोइंग अनसोल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट एल्स, रैंस सीम टू बी हाँ तो ऑनेस्ट। वो ही ले लेते यार, बट बट ठीक है ठीक है, यार, मतलब शमार आई जोसेफ मिल गया, वुड मिल गया, हवा बनी हुई भाई की, लेने दो। यार, ठीक है यार, ओके भाई, मुझे नहीं पता, बीइंग ऑनेस्ट, मैंने नहीं देखा था उस टेस्ट मैच से पहले उस बंदे को, या किसी ने भी देखा होगा आई डोंट थिंक पर्सनली। किसी आई ने देखा वुड होगा उसको, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभी वो दुबई कैपिटल ने भी शायद लिया था, वहां पे भी इंजरी के चक्कर में नहीं खेल पाया था। उसके बाद देखो पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ ना कुछ करा उसने, लेकिन वो 2 ही मैचेस करे ना जो करा। हाँ, मतलब उसका भी, मतलब और बेसिकली वही लेकिन था, या बट आई ये, थिंक, लेकिन बट इज ए ट्रॉफी मैग्नेट। ही हैज अ लॉट ऑफ विकेट टेकिंग नैक्स भाई। ओवरऑल उसका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में जो मैंने पढ़ा, ओवरऑल समझा, ही हैज अ विकेट टेकिंग नैक। लाइक वो गुच्छे में विकेट्स लेता है, प्रॉपर लेता है, तो मतलब एक गेम में 4-5 ले लेगा साला, ये सीपीएल T20 वाला भी जो भी इसने करा, कुछ तो करा, ट्रॉफी कुछ तो जीत गया, ट्रॉफी तो जीता, करा। लक के खेला लिए लिए आए नहीं। होंगे लेजी वाले, लक के लिए लिए आए होंगे। हाँ, इनके कितना चाहिए थी लक वाले, नवीन उलक लड़ने के लिए, ये लक के लिए, हाँ आयुष बडोनी वाइब्स के लिए, वाइब्स के लिए बस, ठीक है, सही है भाई, सेट सीन। और केएल राहुल बैठने के लिए। केएल राहुल हिटिंग नहीं रुकनी चाहिए चिराग की तरफ से। चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू द अदर न्यूज।
सो जो रिसेंटली न्यूज आई थी वॉज अबाउट रोहित शर्मा. अब मुझे नहीं पता उसके हेड कोच बोलो या जो भी उसका कोच था मुंबई का, ही कम्स आउट एंड डिस्कसेस अबाउट कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी वॉज अ राइट डिसीजन, ही वॉज इन्फॉर्म्ड, वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर, अगर तुम क्रिकेट देखो दिस एंड दैट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, हार्दिक पांड्या वापस आ रहा था. रितिका कम्स आउट एंड बैशेस इट. सो फनी लिवर, सो फनी भाई. मतलब वो आती है, वो बजा के चली जाती है. भाई उसको लगता है मैं क्यों डरूं, मैं भी कुछ नहीं. बट सीरियसली व्हेन शी इज स्पीकिंग ना, वी ऑल नो हु शी इज, हु व्हाट फैमिली डज शी बिलोंग टू. तो उसको पीआर मत सिखाना तुम लोग, कि उसको पीआर नहीं आती. Exactly, वो लोगों को पीआर सिखाती है. She has the dirt on everyone. I'm not like, she knows shit. अरे she tells people कि PR क्या होता है, उसको मत सिखाओ PR. But ठीक है चिरंज, how do you take this story भाई? What happens with Rohit Sharma and everything? What happens? Yeah, I think Mumbai Indians tried to do damage control. Okay. And वो और फैल गया. Right, और फैल गया. Being very honest. क्योंकि या तो तुम लोग एक यूनिसॉन में बैठ के मीटिंग कर लो ना कि हमारी स्टोरी ये है, हमें ये बोलनी है. एंड ये बात रोहित शर्मा को भी बता दो, देखिए तुम लोगों को गुस्सा और दिला रहे हो. अरे ये बात रोहित शर्मा को भी बता दो. हाँ एग्जैक्टली. अब अच्छा लगेगा वो किस दिन स्टम्पिंग पे बोल देगा कि मुंबई इंडियंस वाले मेरे को पागल समझते, तुम मत समझो. अगले दिन उस पर फिर मीम समझना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पे स्टम्पिंग पे बोल दिया वही ने. बट ठीक है, सीरियसली अगर बात करें शायद, डू यू सी दिस आफ्टर दिस सीजन ही इज स्टेइंग? Depends on this season, being very honest. As a player, do now ab wo as a player judge hoga. And as a person, how Wankhede reacts to him. Yeah, Wankhede, you know, will go all out for it. But let's see what happens. Na? Because to be honest, we all know Rohit Sharma is not performing the best in the IPL. With the bat, नहीं हो रहा. वो with the bat नहीं हो रहा. Simple है. लेकिन वही बंदा तेरा T20 World Cup team captain है. अगर उसको वो हवा बनानी है वापस से, तो वही है. उसको with the bat perform करना पड़ेगा. And he has to show why. Removing him from the captaincy is not only bad as an experienced player, but as a batsman as well. He knows shit, bhai. World Cup. क्यों बोल रहा है भाई? ये क्या attack है बीच में? World Cup. World Cup captain तो वही है अभी भी. That is my point. हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई का भी कुछ नहीं पता. ये भी सही है. हाँ भाई, in another news, हार्दिक पांड्या से याद आया, BCCI ने बोला है. BCCI ने बोला है अब जितने भी प्लेयर जहां भी इधर उधर निकले थे, कुछ आईपीएल के लिए भाग गए थे, कुछ किसी भी तो एलिगेशन है कि उनकी हेड कोच से नहीं बन रही तो नाराज होकर घर बैठे हैं, जितने भी रूठे फूफा मामा बोल रहे भाई, ओए हाँ, जितने भी रूठे फूफा मामा है सब छोड़ो, अगर तुम एनसीए में नहीं हो या फिर तुम टीम के साथ सिलेक्टेड नहीं हो फर्स्ट टीम के साथ, तो जाओ जल्दी से भागो और अपनी रणजी टीम के साथ खेलना स्टार्ट कर दो. स्टेट की रणजी वालों ने भी अपना खुद का बिग बॉस का हाउस शॉर्ट कर दिया है. कोई भी आगे कुछ भी स्टेटमेंट देता रहता है रणजी के बारे में भाई. अब अनोस तिवारी भी ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई अगले साल से रणजी स्क्रैप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, गुस्से में फुल. अरे वो कौन सी टीम थी जिसने जिसके वो जनरल सेक्रेटरी ने अलग टीम भेज दी थी, प्रेसिडेंट ने अलग टीम भेज दी थी. रणजी इज आल्सो नहीं, रणजी की थी वो तो लोअर लेवल था. लोअर लेवल था बट फिर भी डोमेस्टिक काफी फन चल रहा है. क्या चल रहा है भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है. बट बीइंग ऑनेस्ट, अब मुझे सीरियसनेस दे, जब से सीनियर प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं तो अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट मैच होने वाला है, यू विल सी अ कंप्लीटली डिफरेंट मिडिल ऑर्डर जो यू कैन स्टे कि हाँ भाई वो डोमेस्टिक से उठ के आया. रणजी क्रॉप है उन्होंने वहां परफॉर्म करके आए हैं. ये नहीं है कि आप नाम पे खेल गए हो किसी के भी. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज आई फील सरफराज खान के ऊपर उसको अभी काफी प्रेशर रहने वाला है, बिकॉज़ हां ही हैज टू कैरी द कुछ किस प्लेयर को कुछ करना, किस प्लेयर को कुछ नहीं करना. पी आर वालों को बहुत सोचना चाहिए. लास्ट के 30 सेकंड्स, डू यू वांट टू टॉक अबाउट सौरभ तिवारी अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट? बिकॉज़ आई यूज्ड टू थिंक कि मतलब व्हाट राहुल तिवारी एंड सौरभ तिवारी वर गुड नेम्स इन आईपीएल भाई. बीच में राहुल तिवारी, मनोज तिवारी, सॉरी मनोज तिवारी, आईपीएल मतलब केकेआर फैन हूं मैं. मनोज तिवारी, तू केकेआर फैन लग नहीं रहा, सॉरी. एंड सौरभ तिवारी का एक हेयर स्टाइल था ना वो फेमस, इफ यू रिमेंबर, वो लंबे बाल वाला.
ओके गाइस सी यू बाय बाय।